प्रकाश पाइला मैट्रिक परीक्षा फल जो भली भाव रिजल्ट आसी 96.19% जहां कि भल रिजल्ट अंपटे जदि देखा कटक जगत सिंहपुर सबुठ अधिक परसेंटेज पास आर हो जहां कि 97.99% हाईएस्ट परसेंटेज हो कटक जगत सिंहपुर सर्वनिम्न पास आर मलकानगिरी मलकानगिरी 92.68% सर्वनिम्न बर्तमान अधिक अपडेट देवाई बालेश्वर प्रसन्नजित आशा सहित होती प्रसन्नजित मैट्रिक परीक्षा फल प्रकाश पाई सारी छात्र छात्री प्रतिक्रिया निश्चित भाव देखु जेहेतु मैट्रिक परीक्षार रिजल्ट प्रकाश पाई सारी या नहीं कि आम कहीपर बालेश्वर जिलार जो छात्र छानी मान रही एक उत्साह सहित तो अपेक्षा करके रही थे दीर्घ समय धरिकी वर्तमान से माने मोबाइल जोगे अनलाइन रे निज निजर रोल नंबर देखी वर्तमान सर्च करछंती कि बढ़िया भावे तांकर रोल नंबर रही रिजल्ट नहीं आम अच्छु बर्तमान बालेश्वर बालियार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में अच्छु आप चित्र देखा शिक्षक अच्छा निजर मोबाइल जोगे छात्र छात्री रिजल्ट सर्च कर उत्साह सहित जो रिजल्ट बाहर जानापी निश्चित भाव में पिलाने अपेक्षा करके रही बालेश्वर जिलार 520 स्कूल तीन लक्ष रु ऊर्ध पिला परीक्षा देते कौन कहे बर्तमान रिजल्ट प्रकाश पाई खुशी अच्छा नंबर रही गुरुजी जी भाई से अच्छे ठीक ठाक अच्छे मुझे 90 एभ भाई 94.83% अच्छी भल हाँ आज्ञा ठीक ठाक अच्छे आग को ये शिशु मंदिर गोटे लाइन अच्छी नीलकंठ नगर मत जॉइन करार अच्छे भल आग आज्ञा गुरुजी गुरुजी सब बेले तो आम स्कूल तो आमको सब बेले सबकि डाउट आमर आसी ना आमको डाउट जहाँ भी आसी मैथ गुरुजी कौन साइंस गुरुजी कौन सब सब विषय गुरुजी गुरु में डाउट क्लीयर कर मोर तो 554 रहा 92.33% रहा आशा तो एमती थी 90% निश्चय रथा मोर बापा माँ तथा गुरुजी गुरु माँ मो पर आशीर्वाद तथा मोर कठिन परिश्रम फल सब निश्चित भाव में शुणुले आम कि छात्र छात्री सहित आलोचना करूँ कौन कहे आप कौन कहे 554 रही 92.33 ना के भल रही गुरुजी गुरु बहुत कष्ट मो तो कष्ट फल भी मिली भल लेक्चरर होवार अच्छे मैंने हायर स्टडी करार अच्छे लेक्चरर होवार अच्छे शुणुले आप जे छात्री सहित आम आलोचना करूँ आगू लक्ष्य रही लेक्चर हवा कथ सार आप कौन कहे रिजल्ट प्रकाश पाई सारी कौन कहे पिला बर्तमान रिजल्ट देखापी नंबर देखापी उत्साह रही कि भाव में रिजल्ट हो देखु साधारण तो मेट्रिक परीक्षा समस्त गोटे नजर रही है पे बहुत उत्सुक सहित रही है विद्यालय मध्य भी रही है सरस्वती शिशु मंदिर बालिया तरफ बर्तमान देखा चली बर्तमान A1 रे तो आम पाखे 20 जन बाहरी सारे आते शेष होना आथापि जहाँ रही आशा करा भल रिजल्ट हम बोली आबे पूर्ण फलाफल प्रकाश पाई सारापुर हस्तगत होमें जहाँ चिंता करपर तेज फलाफल सन्तुष्ट हो रहा निश्चित शुणुले आम शिक्षक सहित गुरुजी सहित जो भाव आलोचना करूँ निश्चित भाव में फलाफल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बालेश्वर बालियार भल हो बर्तमान जिते वेबसाइट परीक्षा फल प्रकाश पाते अधिक अपडेट नेबू आपंतु बर्तमान आसतु कटक दुबेन्दु मिश्र अपडेट देते दुबेन्दु बर्तमान समय जो परीक्षा फल प्रकाश पाई सारी बड़ कथा समेटिव परीक्षा जो रोचे हटा जा गोटे थर परीक्षा एक आनाउंस हुए तो किसी दिन भितर हो अंपटे कटक जगत सिंहपुर सर्वाधिक परसेंटेज पास आर अर्थात कटक जगत सिंहपुर बर्तमान जो देखा राज्य में गोटे बर्तमान आकर्षण केन्द्रबिंदु पलटुची मैट्रिक परीक्षा रिजल्ट को नहीं देखिए आम जब पूरा रिजल्ट देखा जो रही परसेंटेज रही पास परसेंटेज से रही 96.19% रही जी ता भर देखा केवल रेगुलर रही 96.40% कि मूल रिजल्ट मोटामोटी रिजल्ट ओवरऑल रिजल्ट 96.19% जदि देखा जिला जो रही जगत सिंहपुर जिला और कटक जिला उभय जिलार जो पास परसेंटेज रही से रही 97.99% अर्थात बहुत भल रिजल्ट दुई जिले और तापरक रही खोर्धा जिला और सर्वनिम्न जो रही से रही मलकानगिरी जिले में 92.68% कि 92.68% किसी खराब रिजल्ट न गोटे जिले में आम जब देखा
ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। କାରଣ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯେପରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ହୁଏତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପଢ଼ାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢ଼ିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଗତଥର ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି। ପୁରା ଯଦି ଓଭରଅଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ଭଲ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଦେଖିବା, କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ରହିଛି 97.99%। ସେଭଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରେଗୁଲାର୍ର ଯଦି ରଖିବା ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି 96.40%। ଏବଂ ଯଦି ରହିବା ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ, ଯଦି A1ରେ ସେମିତି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 4,458 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, A2ରେ 29,855 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, B1ରେ 77,762 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, B2ରେ 1,19,120 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସି ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି 1,22,271 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଡିରେ ରହିଛନ୍ତି 95,934 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏବଂ ଇ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ରହିଛନ୍ତି 62,791 ଜଣ, ଏବଂ ଏଫ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, 8,585 ଜଣ। ତେଣୁ ଏ ରହିଥିଲା ମୋଟ ଇଏ ରହିଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ 5,32,746 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 5,12,460 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାର ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି 96.19%। ତେଣୁ ପୁରା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଥର ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି। କାରଣ ଗତଥର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗତଥର ଓଭରଅଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଥିଲା 90.55%, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥର ଅଧିକ ଆହୁରି 100% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ, ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ଅଧିକ ବା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁବିନ୍ଦୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ନେବୁ, ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଛି ଆଶାତୀତ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖୁଛି ତାହା ଆଗକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ନେବା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ର ସମୟ, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଏ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ଯୋଡ଼ିହେବା। We'll be right back।